के दौरान तेजस्वी के अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने वाले बयान के समर्थन में आरजेडी के पूर्व मंत्री आलोक मेहता आ गए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है आरजेडी के पूर्व मंत्री आलोक मेहता का। शराबबंदी विरोधी, क्या इसका मतलब है? शराब बंद कराने के पक्ष में तो हम ही लोग शुरू में थे और उनकी सरकार हर पंचायत में शराब की दुकानों खुलवाने में लगी हुई थी। तो शराबबंदी विरोधी तो हम शराबबंदी तो हम लोग चाहते थे। अरे भैया, वही तो कह रहे हैं कि शराबबंदी तो हम लोग चाहते ही थे ना, और आज भी शराबबंदी में हम लोग का कंट्रीब्यूशन नहीं है। बिना हम लोग के कंट्रीब्यूशन के शराबबंदी हो जाती जो कानून बना। अब ये बात अलग है कि उस कानून का पूरी तरह पालन ही नहीं हो रहा है। बिहार में समानांतर अर्थव्यवस्था शराब के मामले में कायम हो चुकी है और वो पैसा जो कल तक सरकार के खजाने में जाता था आज माफियाओं के खजाने में जा रहा है। और सरकार किस तरह से हैंडल कर रही है, सरकार के पदाधिकारी से लेकर तमाम लोग की संलिप्तता के बारे में शक की दृष्टि से लोग देख रहे हैं। जहानाबाद नगर भवन में युवा आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी सहित कई प्रदेश स्तर के नेता सहित जिले के अलग अलग इलाकों से आए कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जनाब कारी सोहेब ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार देते हुए उन्होंने कहा, बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, चाहे वह शराबबंदी के नाम पर हो या बालूबंदी के नाम पर। पूरे बिहार में रेप और हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसको लेकर आगामी 27 और 28 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साइकिल यात्रा करेंगे। इस साइकिल यात्रा के माध्यम से मगध के लोगों को सरकार की नाकामी की पोल खोलने का काम किया जाएगा। वहीं इस मौके पर स्थानीय विधायक सुदय यादव, जिला परिषद अध्यक्ष आभा रानी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और लोगों में जोश और खरोश है, सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा है कि बिहार की जनता चाहती है कि अभी और इसी वक्त नीतीश कुमार को हटा करके तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और बिहार की जनता उनको नकार चुकी है, बिहार की जनता पूरी तरह से उनसे नाराज है। इन्हीं सब बातों को लेकर के, जनता के सवालों को लेकर के जो यात्रा है उसको सफल बनाने के लिए कहां से कहां तक यात्रा है, साइकिल यात्रा ये गया से शुरू होकर पटना तक जाएंगे। तो तेजस्वी यादव की साइकिल यात्रा को सफल बनाने की कवायद तेज हो गई है और युवा आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद में सम्मेलन का आयोजन किया। आपको बताएं 28 जुलाई को तेजस्वी साइकिल रैली करेंगे और इस साइकिल रैली को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस साइकिल रैली में तेजस्वी यादव ने सबका आह्वान किया है और नज़र होगी। इस तरह की रैलियों पर नज़र सबकी होती भी है कि कौन से लोग शामिल हुए, कौन से लोग शामिल नहीं हुए। जो शामिल होंगे उन पर भी नज़र और जो नहीं शामिल होंगे उन पर भी नज़र बनी रहेगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस प्रकार से साइकिल रैली है, काफी महत्वपूर्ण ये रैली है, सबकी नजर होगी चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस रैली को लेकर आज? बात है कि यही सब तैयारियों को लेकर जहानाबाद में आरजेडी कार्यकर्ता है वो भी उपस्थित है पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव से तो इन लोगों ने एक एक चीज पे चूंकि सरकार को घेरने का प्लानिंग किया है। जिस तरह से बिहार में लगातार भ्रष्टाचार व्याप्त है, चरम सीमा पर पहुंच गया है, लगातार रोज हत्याएं हो रही है, लूट हो रहे हैं, रेप जैसी घटनाएं घट रही है, तो इन सब तमाम जो तरह के जो अभी बिहार में जो हालात है उसी हालात को सरकार को घेरने के लिए तेजस्वी यादव खुद जो है वो साइकिल यात्रा कर रहे हैं, जो कि गया से उनका शुरुआत होगा और उसी बीच में 28 तारीख की रात को जो है वो जहानाबाद में तेजस्वी यादव का रात्रि विश्राम है और उसके बाद वो फिर 29 की सुबह मसौढ़ी जाएंगे और मसौढ़ी होते पटना जाएंगे। इसी तरह से उनका साइकिल यात्रा जो है वो पूरे बिहार में चलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत इन तमाम जानकारियों के लिए। तो तेजस्वी की साइकिल यात्रा पर नजर है सबकी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, काफी महत्वपूर्ण हर तरीके से तेजस्वी यादव की ये साइकिल यात्रा। अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार की जीत के बाद कार्यकर्ता गदगद नजर आ रहे हैं। कोशी प्रमंडल के सुपौल में भाजपा की प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे और बूथ स्तर पर तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री
नीतीश मिश्र, छातापुर भाजपा विधायक नीरज कुमार, सुपौल भाजपा जिलाध्यक्ष, मधेपुरा जिला भाजपा अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों पर जोर दिया गया कि हमारा संगठन और मजबूत हो ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन बेहतर हो और हम चुनाव जीत सकें। कोसी में सर, लोकसभा की चुनाव होने वाली, इसमें कोसी में क्या माहौल रहेगा बीजेपी का? नहीं देखिए, आप कल के प्रधानमंत्री जी के संबोधन जो पार्लियामेंट में हुआ और जो विश्वास मत पर 325 सदस्यों ने सरकार का साथ दिया है और उसके बाद से जो एक उत्साह का वातावरण और एक नई जोश जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बढ़ा है, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक समान है। उसी भी निश्चित तौर पर जो उसी का परिणाम आएगा, संपूर्ण बिहार की जो 40 सीट है उसके अनुरूप आएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की सभी लोकसभा सीट एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीत। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक की वापसी, स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले, यूथ कांग्रेस के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई और राज्य में घटित मॉब लिंचिंग की घटनाओं के विरोध में संपूर्ण विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल के दिनों में एक के बाद एक हो रही घटनाओं के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष रघुवर सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है और स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले, यूथ कांग्रेस के विधानसभा के घेराव के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज में भी विपक्षी दलों को एक बार फिर से बल दे दिया है, जिसके खिलाफ लगातार संपूर्ण विपक्ष सरकार के खिलाफ विरोध जता रहा है। इस पैदल मार्च में कांग्रेस, झामुमो, झाविमो, राजद समेत कई सामाजिक और आदिवासी संगठनों ने हिस्सा लिया। पिछले दिनों ताकुर में जब स्वामी अग्निवेश बीजेपी के और भारतीय जनता युवा मोर्चा के और अखिल भारतीय परिषद के सदों ने मिलकर के जिस प्रकार से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन उसके बाद भी उन जिन लोगों ने हमला किया, सरकार ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया, बल्कि उन लोगों को आज तक छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, सत्ता में जो आज राज्य में बैठे हुए राज्य के जो मंत्री आखिरी अंजाम तक लड़ेंगे, वही आज प्रोटेस्ट मार्च के माध्यम से हम अपना मैसेज देना चाहते हैं रघुवर सरकार को कि 6 विधायक को खरीद करके तुम ये सरकार जो चला रहे हो वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में गड़ा हुआ सरकार है। जितना नीचे भी खोद के निकाला जाए तो वहां रघुवर का भ्रष्टाचार का मवाद ही देखने को मिलेगा। यही मैं विरोध सभा के आज मार्च के तौर पे आज साथियों ने अपनी बात रखी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय गोप हमारे साथ जुड़ गए। विजय, जिस प्रकार से सदन का मॉनसून सत्र था, उस सत्र में आवाज उठाने की जगह एक बार फिर से विपक्ष ने सड़क की राह पकड़ ली। आज एकजुट हो गया और पूर्ण घोषित कार्यक्रम के तहत मोराबादी के गांधी प्रतिमा से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किया। सीधे तौर पर कहें तो भूमि अधिग्रहण दिन और जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना, जो रामगढ़ की जो मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई और स्वामी अग्निवेश को जिस तरह से हमला किया गया, ये तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को सीधे तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से कह ले तो विपक्ष के पास एक नया मुद्दा हाथ लगा है कि स्वामी अग्निवेश का मामला है, भूमि अधिग्रहण दिन। तो तमाम ये जो मामले हैं, कहें ना कहें तो विपक्ष के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है और ये मुद्दा है जिनको लेकर विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने की प्रयास में लगी हुई है। बाबूलाल मरांडी है या पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रतकांत झा है, इन्होंने सीधे कहा कि जनता को 2019 चुनाव में बीजेपी की सत्ता को उखाड़ कर फेंकना है, तब जनता को इसकी राहत मिलेगी और जन के साथ जो उपलब्धियां है वो जनता को मिलेगी। तो तमाम जो मामले है उनको लेकर ब्रह्मास्त्र के रूप में ये विपक्ष एकजुट हो गए हैं। ये मामले को लेकर सीधे तरह से कह सकते हैं तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। जी विजय, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार के खिलाफ लामबंद हुआ है विपक्ष, गांधी प्रतिमा से लेकर गवर्नर हाउस तक किया मार्च।